वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिस प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ वो एक लाजवाब प्रोजेक्टर है जिसकी पिक्चर क्लैरिटी ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है। इसके अलावा ये प्रोजेक्टर हर एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट देता है। इस समय ये प्रोजेक्टर डिस्काउंट कूपन कोड लगाने के बाद सिर्फ 15,000 का मिल रहा है। तो अगर आप कोई इस रेंज का 4K सपोर्ट वाला प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं तो इस प्रोजेक्टर को तुरंत खरीद लें। इसकी पिक्चर क्वालिटी आपको खुश कर देगी। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में इससे कंपैटिबल स्क्रीन्स और फायर टीवी स्टिक्स के लिंक्स के साथ साथ कुछ अच्छे साउंड बार्स की भी लिंक छोड़ी है। आप ये सब चीजें वहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है ZEDCO नेओ प्रोजेक्टर, जो कंपनी के युवा सीरीज का अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्टर है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक लेंस कवर, एक पावर केबल, एक AB केबल, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा आता है। प्रोजेक्टर की बात की जाए तो वो मीडियम फॉर्म फैक्टर में आता है, जो ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन इसे लाइट वेट भी नहीं बोला जा सकता है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी प्रीटी डिसेंट है। लेंस के अराउंड क्रोम लाइनिंग दी गई है, जो ऑल ब्लैक में आ रहे इस प्रोजेक्टर के डिजाइन को एक्सेंचुएट करती है। लेंस के साइड में ZEDCO की ब्रांडिंग के साथ फुल HD 1080p के साथ साथ ऑटो फोकस भी मेंशन किया गया है। ऊपर के सरफेस पे फैब्रिक कवरिंग दी गई है, जो इस प्रोजेक्टर को एक प्रीमियम लुक इम्पार्ट करती है। इसी फैब्रिक सरफेस पे पीछे की ओर टच बटन एम्बेडेड आते हैं, जो सॉफ्ट टच से ही ऑपरेट हो जाते हैं। पीछे की ओर स्पीकर के अलावा कनेक्टिविटी के लिए 2 HDMI पोर्ट्स के साथ 2 USB पोर्ट्स, एक AB पोर्ट और एक 3.5mm ऑडियो पोर्ट दी गई है। प्रोजेक्टर के दोनों साइड्स में कूलिंग के लिए वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की ओर ट्राइपॉड और सीलिंग माउंट के प्रोविजन के साथ साथ एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू भी दिया गया है, जिससे आप सेटअप करने के दौरान प्रोजेक्शन की हाइट को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओवरऑल लुक्स में ये प्रोजेक्टर एलिगेंट लगता है। रिमोट की बात की जाए तो वो स्टैंडर्ड है, जिसमें फोकस और इनपुट मोड्स के बटन्स के अलावा सेटिंग्स और माउस का बटन भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की। तो ये प्रोजेक्टर 8200 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 6000:1 के स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो के साथ आता है। LTPS टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला ये प्रोजेक्टर NTSC कलर गैमेट का 100% कवरेज देता है और इसका मैक्सिमम प्रोजेक्शन 250 इंच है। एंड्रॉइड 9.0 और इनबिल्ट क्वाड कोर CPU के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर में 1GB रैम और 8GB स्टोरेज दिया गया है। साउंड के लिए इसमें 5W का हाईफाई स्टीरियो आउटपुट वाला बिल्ट इन स्पीकर मिलता है, जो पैसिव बेस रेडिएटर के साथ आता है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ साथ डुअल बैंड वाईफाई दी गई है। इसके अलावा कंपनी इसमें HDMI ARC भी क्लेम करती है। इस फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर में इंटेलिजेंट स्क्रीन एडजस्टमेंट दिया गया है। इसमें ऑटो फोकस के साथ ऑटो कीस्टोन और ऑटो ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस फीचर भी दिया गया है। इसमें जूम फंक्शन भी है और ये प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्टर को सेटअप करने की। ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसे आप जब स्क्रीन के सामने प्लेस करके स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन मैंने मार्क किया कि प्रोजेक्टर द्वारा ऑटो सेटिंग्स करने के बाद फोकस की थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो फोकस एडजस्टमेंट्स के बटन्स रिमोट में ही दिए गए हैं। आप उससे फोकस को परफेक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ऑटोमेटिक सेटिंग्स उतनी परफेक्ट नहीं आ पा रही हैं, तो आप अंदर सेटिंग्स में जाकर ओमनी डायरेक्शनल ऑटो कीस्टोन करेक्शन को बंद करके अपने हिसाब से 4D कीस्टोन करेक्शन से सेटिंग कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन को छोटा बड़ा करने के लिए डिजिटल जूम भी दिया गया है, आप उसका भी यूज करके परफेक्ट स्क्रीन बना सकते हैं। टेक्स्ट डिस्प्ले होते हुए आपको स्क्रीन के किसी एक कॉर्नर पे 3-5% तक का ब्लर दिख सकता है, जो बजट प्रोजेक्टर्स में नॉर्मली दिखता ही है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मैं ये प्रोजेक्शन 130 इंचेस की वाइट ऑटोमेटिक स्क्रीन पे कर रही हूँ। ग्रे स्क्रीन पे इसका परफॉर्मेंस थोड़ा और बेटर दिखता है। मैंने इससे कंपैटिबल स्क्रीन्स और टीवी स्टिक्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे चेक करके सारी इससे रिलेटेड चीजें वहीं एक जगह से खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इसके साथ आप 4K टीवी स्टिक ही लें, क्योंकि ये प्रोजेक्टर हर एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट देता है।
अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी की, जिसमें सबसे पहले आती है ब्राइटनेस। तो ये प्रोजेक्टर सफिशियंटली ब्राइट है, जिसपे आप डार्क सीन्स भी कम्फर्टेबली देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जिस प्रोजेक्टर पे डार्क सीन्स देखने में डिफिकल्टी आती है वो मेरे हिसाब से वर्थलेस है। हर कंटेंट पे डार्क सीन्स आते ही हैं और फिर इरिटेशन होने लगता है कि कब वो सीन जाए और कोई ब्राइट सीन आए, तो इस प्रोजेक्टर पे ऐसा फील नहीं होता है। हर कंटेंट को आप इस पे अच्छे से इंजॉय करेंगे। थोड़े इल्यूमिनेटेड रूम में भी आप इस पे सारे कंटेंट्स कंफर्टेबली देख सकते हैं। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत फाइन है, इस पे आपको शार्प और वेल डिफाइंड पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। इस प्रोजेक्टर की डिटेल क्लैरिटी बहुत अच्छी है। सीन्स में जब डेंस सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे किसी जंगल में बुशेस और ट्रीज, तो उनमें आपको अच्छा डिमार्केशन देखने को मिल जाता है। कॉन्ट्रास्ट की बात की जाए तो वो डिसेंट है, जो ग्रे स्क्रीन पे और ज्यादा इनहेंस हो जाता है। मैं हर प्रोजेक्टर के रिव्यू में उसके साथ बेस्ट कंपैटिबल स्क्रीन के बारे में बताती ही हूँ। आप प्लीज अपने हिसाब से कॉस्टली स्क्रीन्स पहले से खरीद कर मत रख लीजिएगा, क्योंकि कई प्रोजेक्टर्स कॉस्टली ALR स्क्रीन पे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जो व्हाइट स्क्रीन पे दे देते हैं। मैं अच्छे से हर प्रोजेक्टर को दोनों तरह की स्क्रीन्स पे टेस्ट करती हूँ और उसके बाद ही आपको कोई स्क्रीन रिकमेंड करती हूँ। अब बात करते हैं उस फीचर की जो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के लिए इसका सबसे अट्रैक्टिव फीचर है, वो है इसका 4K सपोर्ट, जो आपको हर एप्लीकेशन में मिलता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, Amazon प्राइम हो या फिर हॉटस्टार या YouTube ही क्यों ना हो। जिस भी एप्लीकेशन में 4K HDR कंटेंट मौजूद होगा उसे आप 4K HDR के टैग के साथ देख पाएंगे। अब बात करते हैं HDR सपोर्ट की, तो यहाँ मैं आपको कुछ दिखाकर बताना चाहती हूँ। मैं एक कंटेंट को 4K HDR में प्ले करूंगी और फिर उसी कंटेंट को HDR डिसेबल करने के बाद सिर्फ 4K में प्ले करके आपको डिफरेंस दिखाऊंगी कि मुझे HDR बजट प्रोजेक्टर्स में क्यों पसंद नहीं आता है। ये देखिए, इस वक्त ये 4K कंटेंट HDR के साथ प्ले हो रहा है। अब यही कंटेंट मैं HDR डिसेबल करके चलाती हूँ। तो आपने देखा कि HDR स्विच ऑन होने पे ब्राइटनेस डिप हो जाती है और कलर्स भी उतने विविड नहीं रहते हैं, उनमें ब्लैक्स मिक्स हो जाते हैं जिससे सीन्स डार्क लगने लगते हैं। लेकिन HDR का बेनिफिट ये है कि डिटेल्स और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। मुझे HDR सीन्स बजट प्रोजेक्टर्स पे उतने पसंद नहीं आते हैं क्योंकि मुझे विविड ब्राइट कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इन प्रोजेक्टर्स में यूजुअली HDR को बंद रखकर ही शूटिंग करती हूँ। जहाँ आपको HDR सपोर्ट दिखाना होता है वहाँ इसे स्विच ऑन कर देती हूँ। वैसे मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्टर के HDR सीन्स में ब्राइटनेस उतनी डिप नहीं होने पाती है जितनी कुछ दूसरे प्रोजेक्टर्स में हो जाती है। मैंने आपको दोनों परफॉर्मेंस दिखाकर सब समझा दिया है। अगर HDR होने पे किसी कंटेंट में आपको ब्राइटनेस कम लगे तो आप फायर टीवी स्टिक की डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर HDR को डिसेबल कर सकते हैं। ऐसे तो ये प्रोजेक्टर एंड्रॉइड है जिसमें आपको कई एप्लीकेशंस प्रीलोडेड ही मिल जाते हैं, लेकिन यूट्यूब को छोड़कर किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में आपको हाई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए हाई क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आपको 4K टीवी स्टिक लेनी ही होगी। अब बात करते हैं स्क्रीन मिररिंग की। तो इस प्रोजेक्टर में मीराकास्ट दिया गया है, लेकिन उसमें मुझे सैमसंग गैलेक्सी S24 के थ्रू लैग नजर आया। हो सकता है आपके फोन के साथ ये इशू नहीं आए, और फिर जब फायर टीवी स्टिक आप खरीदेंगे ही तब उसके थ्रू भी आपको कास्टिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की ऑडियो की। तो इसकी ऑडियो सफिशियंटली लाउड है, जो एक मीडियम साइज रूम के लिए भी इनफ होगी। हालांकि इस प्रोजेक्टर की ऑडियो फाइन ट्यून्ड है, लेकिन इसमें साउंड सेटिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसकी ऑडियो में काफी अच्छी क्लैरिटी सुनने को मिलती है, डायलॉग्स क्लियर और क्रिस्प सुनाई देते हैं। बिना साउंड बार के भी आप इसकी साउंड को कम्फर्टेबली इंजॉय कर सकते हैं। शरार बहुत खूबसूरत।
कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ गलती से सोचना, तुम उसे अपनी बातों में उलझा कर रखना। सारी लड़कियों से इसी तरह से बात करते हो? सिर्फ सुंदर लड़कियों से, देखते ही मजा आ गया। हार्ट बीट भी बढ़ी, सीटी मारने का मन किया। तो एकदम रही साउंड बार कनेक्ट करने की बात, तो इसमें दो HDMI पोर्ट्स दी गई हैं, लेकिन ARC का ऑप्शन नहीं मिलता है। HDMI के थ्रू 5.1 ऑडियो एंजॉय करने के लिए आपको एक HDMI ARC वाले साउंड बार की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 4K पास थ्रू के साथ दो HDMI पोर्ट्स दी गई हूँ, और फिर आपके पास 4K पास थ्रू वाली हाई क्वालिटी 4K HDMI केबल होनी चाहिए। आपको साउंड बार की इनपुट पोर्ट में फायर टीवी स्टिक कनेक्ट करनी है और आउटपुट पोर्ट को एक HDMI केबल से प्रोजेक्टर की HDMI 2 पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। तब आपको इस प्रोजेक्टर पे 3.1 या फिर 5.1 Dolby Digital Plus तक का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें 3.5mm ऑडियो आउटपुट दी गई है, उससे भी आप इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके हाई क्वालिटी में सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हमने इस प्रोजेक्टर को पूरे दिन लगकर 4K पास थ्रू वाले सोनी ST-H700 साउंड बार के साथ चेक करके देखा, डिफरेंट HDMI केबल्स इंटरचेंज करके भी देखी, लेकिन क्योंकि इन प्रोजेक्टर्स में सॉफ्टवेयर बेस्ड 4K सपोर्ट दिया जाता है, तो 4K पास थ्रू हिट या मिस रहा। कभी इस साउंड बार के थ्रू 4K सपोर्ट मिल गया तो कई बार सिर्फ फुल HD सपोर्ट ही दिखा। सिर्फ प्राइम वीडियो में ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के थ्रू 4K सपोर्ट लगातार मिलता रहा। तो मेरा ये कंक्लूजन है कि अगर आप इसे इस तरह से किसी साउंड बार से कनेक्ट करेंगे तो आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो तो मिल जाएगी, लेकिन वीडियोस में 4K सपोर्ट नहीं दिखेगा। ऐसे भी अगर आपको 4K सपोर्ट स्क्रीन पे लिखा भी आ जाता है, तब भी फुल HD रेजोल्यूशन के बियॉन्ड क्वालिटी कभी नहीं मिलती है। अब आते हैं गेमिंग पे, तो इस प्रोजेक्टर के ग्राफिक्स कई प्रोजेक्टर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे हैं। इस पे गेम्स काफी अच्छी क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होते हैं और साथ ही साथ कलरफुल भी दिखते हैं। आप इस पे 4K HDR at 60Hz तक के गेम स्मूथली खेल सकते हैं बिना किसी स्टटरिंग या लैग के। इसका इनपुट लैग डिसेंट है, जो कैजुअल गेमिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे गेम्स खेलेंगे जिनमें सेकेंड्स भी काउंट होते हैं, तब आपको कोई हाई एंड प्रोजेक्टर ही सेटिस्फाई कर पाएगा। रही वारंटी की बात, तो इस प्रोजेक्टर पे ZATCO एक साल की फ्री डोर स्टेप वारंटी दे रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। आपको उनकी वेबसाइट पे जाकर ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये अपने पैसों के हिसाब से एक शानदार प्रोजेक्टर है, जो हर एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट देता है। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी आपको खुश कर देगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।